यहाँ पे चीकू के कपड़े देख रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहे हैं, मैं सोचूं गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल सेल्फ हेल्प में। तो आज का व्लॉग मेरा कुछ इस प्रकार से होने वाला है कि फिलहाल मेरा जो ये लिप्स है अभी भी ठीक नहीं हुआ है, इसके चक्कर में मैंने कल जो है व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि कल ही बहुत बड़ा हो गया था और आज क्या है ना ठीक होने वाला है, मतलब आपको दिख ही रहा होगा थोड़ा सा रह गया है, ठीक होने वाला है। और जो मेरी राखी की मेहंदी थी आप देख सकते हो, और आई होप कि आपको मेरे जो राखी का जो मैंने व्लॉग डाल रखा था वो अच्छा लगा होगा। और फिलहाल सारा काम वहाँ ख़त्म हो चुका है, नहा लिया है, धो लिया, सारा काम ख़त्म हो चुका है। अब एक चाय भी पी ली है, अब खाना वाना बनाती हूँ क्योंकि आज ऑफिस तो घर किसी का भी नहीं है, ससुर जी वगैरह किसी का भी नहीं है, बट सब घर में तो है ही। आटा वाटा मैंने लगा लिया है, सब्जी कल रात की बची थी वही हम खाएंगे, और अब रोटियाँ बनाऊँगी। चीकू भी उठ गया है, दूध लेके आएंगे, दूध गर्म करेंगे, फिर दूध पियेंगे, फिर पिलाऊंगी चीकू को। और आप देख सकते हो कितने एकदम क्लीन है, बिल्कुल क्लीन कर रखा है। और भाई आप क्या बोलना चाहोगे मेरे इस लिप्स के बारे में? अभी तो काफ़ी सही हो गया यार, अभी काफ़ी अच्छा हो गया है ऐसा इसका बोलना है, बट पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो बहुत पड़ता है। छोटू चलो हाय बोल दो, हाय बोलो, खुदा देवे ना आपको हाय नहीं बोलना, पहले हाय बोलो। तो है मेरा चीकू कहाँ गया था? कल मेरा चीकू गया था स्कूल, एक ही दिन स्कूल गया और 3 दिन की छुट्टियां पड़ गई, सैटरडे संडे छुट्टी और मंडे को तो 15 अगस्त उस दिन में छुट्टी। अपना स्कूल का रास्ता फिर से भूल जाएगा। और प्ले स्कूल में गया था कल ही, और वहाँ से बहुत टाइम रह गया ये, मतलब हमको लगा नहीं था कि रहेगा ही, बट रह गया इतने घंटे वहाँ पे। बाहर कुछ हो रहा है, देखते हैं एक बार क्या हो रहा है। तो आप देख सकते हो क्या हो रहा है, रैली निकल रही है बच्चों की, ये देखिए हम स्कूल में निकलते थे, स्कूल में हमें निकल, हमारा ढोलो निकलता था, वाह चीकू वंदे मातरा। तो दोस्तों 15 अगस्त कब है? परसों को ना, 15 अगस्त परसों को है, आज है 13 तारीख, और हर घर झंडा है, तो अपने घर में एक एक झंडा जरूर लगाइए, और हम भी आज लेके आएंगे और हम भी लगाएंगे, मैं आपको जरूर दिखाऊंगी कि हर घर झंडा लगना चाहिए, है ना गुड्डू? ये मेरे जो सेल्फी स्टिक है उसके पीछे पड़ रखा है, बोला मशीन मशीन, और बड़ा मजा आ रहा है। और जो है ना जैसे जैसे मतलब कि टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे ना क्या हो रहा है, लोगों की सोच भी चेंज हो रही है, वो सोच बहुत अलग हो रही है। जैसे कि आप आमिर खान जी को ले लीजिए, लाल सिंह चड्ढा, और जाइए टर्की और करिए, अब माफ़ी मांगनी पड़ रही है उनकी, है नहीं? फिर भी अब देखिए उनकी जो मूवी है वो किस तरीके से पिटी है, आप लोगों को तो पता ही है इसका, तो ठीक है। तो मेरी जो ननद है वो जा रही है शिमला घूमने के लिए, शिमला आई थिंक सो की शिमला जा रही है, तो वो अभी पैकिंग वगैरह करेगी, अभी ऑफिस जाएगी, मुझे कुछ सामान देने के लिए आ रही थी, यहीं से जाएगी क्योंकि यहीं से उसका और मेरा क्या चलता है ना, हम दोनों, मैं और वो, हम दोनों अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं। मेरे को इस घर में 6 साल हो गए शादी करके आके, वो मेरी एक दोस्त ही बनी है, हाँ जी बिजी पिछी करी ये भी तो मुझे इतना अनमोल मिला है, आपको यकीन नहीं आएगा, कल ये स्कूल गया था और मुझे मतलब कि मैं इसके बिना इतना नहीं रह पाई, मैं खुद लेके आई इसको, मैम बोली थी तो अच्छे से बैठा हुआ था, आपको क्या ले जाने की जरूरत था, मैम को क्या पता कि मेरा मन इसके बिना नहीं लग पा रहा था घर पे। और हाँ जी पहले बोलो जय हिंद, बोलो ऐसे जय, जय हिंद बोलो, जय हिंद। कि वो एक मेरी ननद जो है वो मेरी कज़िन है, वो मेरी सगी भी नहीं है, मेरी कज़िन है, पर उसके साथ मेरा ऐसा रिश्ता है, दोस्त का भी है, ननद का भी है, हर एक चीज़ में उससे शेयर करती हूँ, ऐसा रिश्ता मेरा आज तक किसी के साथ बना ही नहीं है जैसा मेरा उसके साथ बना है, एक अलग ही, हम बात भी नहीं करेंगे तब भी हम जिस दिन मिलेंगे उस दिन एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, वो करते हैं। मैं ना चाहूँ भी अगर किसी, मतलब मैंने कितनी बार ऐसा सोचा है कि मैं ऐसा करूँगी, मतलब कि बहुत टाइम ऐसा हो जाता है कि
एक दूसरे में मन मुटाव हो जाता है, बहुत वो हो जाता है। लेकिन क्या होता है, मैं आप लोग को उसके बारे में बता नहीं सकती। उसने मेरा हर चीज़ में साथ देती है, वो हर चीज़ में उसने मेरा साथ दिया है, तो उसको मैं कभी नहीं छोड़ सकती। उसको अगर कोई बोल भी देगा ना कि तेरी भाभी ऐसी है, या वो फिर उसने ऐसा बोला या फिर उसने ऐसा किया, वो मानेगी ही नहीं। और वो मुझ पर इतना विश्वास करती है कि मुझसे पूछेगी, और जो जहाँ पर विश्वास है वहीं पर रिश्ते बनते हैं, और वहीं पर आपको पता है रिश्ते ज़्यादा चलते हैं। जहाँ पे विश्वास नहीं है वहाँ पे कभी आपके रिश्ते नहीं बन सकते, और ना ही वहाँ पे रिश्ते ज़्यादा चल सकते हैं। और इसी बात में मेरे आ गई है मम्मा। ये देखो मम्मा, हाय बोलो। हाय, वीडियो बन रही है ना, हाय बोलो। हाय, आप टेढ़ा मुँह करके हाय क्यों बोल रहे थे? ये है मेरी मम्मा। अभी रोटी बनाऊँगी, भूख लग गई। तो अभी आटा गूंथ के आ गई हूँ मैं। हाँ, 9 बजने वाले हैं, मतलब बजने वाले क्या, बज ही गए। अब फटाफट जाती हूँ और बनाती हूँ खाना, और सब्जी तो रात की है ही। और बस मैं, मेरा हॉट कैसा लग रहा है आपको? दिया कोई मैल है मैं, सब ची मैल सैनी सब ची, बताओ पहले ना है मेरा, ना? हाँ, मेरे लिप्स कैसा लग रहा है बताओ पहले, मेरा हॉट कैसा लग रहा है? आप नहीं को मरो ना। मम्मी भी ना झूठ बोल देती है, अच्छा लग रहा है बोल, पर इनको अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने बोला ना, सबसे ज्यादा मैंने गलती ये करी कि मैंने पीन से इसको छेड़ दिया। मम्मी कब है रात है जी? पापा फिर पापा नहीं बनाएंगे, मैं बनाऊंगी चने की सब्जी। हाँ पापा, एक्चुअल क्या है ना, पापा मेरे साथ सब्जी बनाते हो इतनी मिर्च डाल देते, कोई नहीं खाता। कल रात पापा ने बनाई थी लौकी की सब्जी और मैंने रोटियां बनाई थी, तो पापा इतना अजीब बनाया था, किसी ने नहीं खाया ना, मेरे देवर ने खाया ना, मेरे पति ने खाया ना। मैंने कहा हमने इतना सारा वेस्ट किया, सारा गाय के रखा हुआ है, पन्ने में बात किया, अब गाय खाएगी। और वैसे ही आज पापा चने, प्लीज तुम्हारे हाथ जोड़ते मैं बना लूंगी चने की सब्जी, कोई जरूरत नहीं बनाने की, हल्दी खा दो बस भाई। इतना कोई खा ही नहीं पा रहा, क्या फायदा उसको बना के, इतना वेस्ट, अच्छा कुछ खा ले। क्यों मम्मी? मम्मी वो फोटो कैसी लगती है आपको? बहुत ही प्यारी लगती है ना, इतनी प्यारी फोटो लगती है ना। एक फोटो और बनवा रखी है मैंने, मेरे जीजू जो है ना फोटोग्राफी का काम करता है, अगर किसी को फोटोग्राफी वगैरह कुछ अच्छी अच्छी चाहिए तो मुझे जरूर बताना। जीजू, जीजू हाँ, फोटो उनका खुद का है ना। हाँ, अभी मैंने एक गणपति जी का बोला है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं जहाँ से हम गेट में एंटर करते हैं ना, वहाँ पे एक गणपति का एक एक बहुत फोटो एक होना चाहिए। पति एक जो फोटो कहाँ भाई है, मतलब खुशी ले गई है फोन से। हाँ, आजकल तो बहुत कुछ चल गया मम्मी फोन से। देखो ये इसमें आगे का कितने तोड़ देंगे क्या इसको? तो दोस्तों मैं बना रही हूँ रोटी अब, और आपको साफ नहीं दिख रहा होगा ना कैमरा लॉस, कैमरा गंदा था, साफ नहीं हो रखा था। अब मैंने रोटी बनाने की तैयारी कर ली है, अब मैं बना रही हूँ रोटी और उसके बाद आप लोग से बात करते हैं। ओके, तो चीकू की बुआ जहाँ कहीं भी है आप सुन लीजिए, ये आपका बैग को खोल रहा है ये देखिए, और इसने आपका परफ्यूम वगैरह सब निकाल दिया इसमें से। इसकी बुआ जो है जा रही है घूमने के लिए, तो वो अपना बैग यहाँ पे छोड़ के गई है, इसने उसका बैग पूरा खोल के बताएगी बुआ, रुक जा आके बुई बताएगी। सॉरी बोल दे बुआ को, पहले ही सॉरी बोल दे बुआ को, बुई को सॉरी बोल दे, सॉरी बोल, बोले बुई सॉरी बोलो। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि मैंने अभी थोड़ा कपड़े चेंज कर लिए हैं, क्योंकि आप मेरे लिप्स देख सकते हो, घर की टी शर्ट पहन रखी है, और लेकिन इससे जीन्स डाल रखी है और चप्पल पहन रखे हैं, क्योंकि ये भी हमने यहीं पे एक नज़दीक हमारी मार्केट पड़ती है जहाँ मैं हमेशा जाती हूँ, वहाँ पे जाना है कुछ काम से, क्योंकि चिक्कू का स्कूल हमने चिक्कू डाल दिया प्ले में, तो वहाँ पे कल वो गया था ऐसे ही रैंडमली, और उससे पूछा हमने पूछा था मैम से कि क्या क्या चाहिए इसके लिए, क्या क्या लेना है, तो उन्होंने बोला कि इसको लिए एक बैग ले लेना, और टिफ़िन बॉक्स ले लेना, और एक कॉपी ले लेना 3-in-1 वाली जो होती है, जिसमें इंग्लिश हिंदी और मैथ्स साथ होती है, और एक पेंसिल, बस यही चीज़ लेके आनी है। तो उसके पास डब्बा भी है, कॉपी भी है, लेकिन 3-in-1 वाली नहीं है, वो लेके आ जाते हैं, बैग लेके आ जाते हैं। और उसके बाद क्योंकि 15 अगस्त है, उसके बाद बंद रहेगा, और 15 अगस्त के दूसरे दिन उसको जाना है स्कूल, मैंने चाहती वो ऐसे ही जाए, और
पहला पहला स्कूल है यार, ऐसे कैसे भेज दूँगी उसको मैं, थोड़ा तैयारी करनी पड़ेगी उसके लिए मुझे, और पानी भी पीना है मुझे तो वहाँ जाके पीऊँगी। पहले वो मेरे नया पानी लेने जा रहे थे, लेकिन अब हम सारा काम करना है तो मैं सोच रही हूँ चले जाते हैं, यहीं पे नज़दीक मार्केट है इसलिए घर के कपड़े पहने हुए। और जल्दी जल्दी एक दो रील बना लेती हूँ इंस्टाग्राम पे, उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ।